ओवर थिंकिंग, ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या फिर खुद ने भी कभी यूज़ किया होगा, या फिर हो सकता है ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से खुद भी झेल रहे हैं, खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज मैं वही ओवर थिंकिंग के बारे में ही आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। सोचते तो सब हैं, कोई थोड़ा सोचता है, कोई ज़्यादा, लेकिन वही सोच अगर आपके मेंटल हेल्थ पर बन आए तब जाके वो कहलाता है ओवर थिंकिंग। तो कोई भी आदत को छोड़ने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और जिसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं उसी ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ और मैं आज आप लोगों को 7 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से आप लोग ओवरकम करके निकल के आ सकते हैं। लेकिन वही बताई कि आप लोगों को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ये जो टिप्स मैं आज बोलूँगी उसको आपको दिन ब दिन आपको उसको लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, तब जाके आप अपने प्रॉब्लम से आ सकते हैं बाहर। तो चलिए फिर आज हम लोग ये 7 पॉइंट डिस्कस करते हैं और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग का, प्लीज़ ध्यान से वीडियो को सुनिए, प्लीज़ ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। और जो मैं टिप्स बताऊंगी उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, तो देखिएगा धीरे 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 आप क्या करेंगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे और सारे अपना डिसीजन जो है वो अच्छी तरह से ले पाएंगे और खुश रह पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग ये 7 टिप्स जो है उसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टिप्स मैं जो आप लोगों को बताऊँगी वो है डाइवर्शन। जब आप कुछ सोचते हैं और सोचते सोचते आप उस मोमेंट को फील करने की कोशिश कीजिए, जब आप सोचते सोचते बहुत ज़्यादा ही सोच की तरफ चले जाते हैं, यानी कि ओवरथिंकिंग आपका होना शुरू हो जाता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा, वो है डाइवर्शन, मतलब खुद के जो थिंकिंग है उसको भटकाओ उस टाइम में। तो जब भी आप देखें कि थिंकिंग से ओवरथिंकिंग की तरफ आप जा रहे हैं, तभी आप क्या कीजिए कि खुद को डाइवर्ट कर दीजिए, या तो क्या कीजिए कोई बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए उस टाइम में, या हो सकता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फ्रेंड के साथ चले जाइए, या हो सके किसी पार्क में चले जाइए, या फिर छत पे चले जाइए, यानी खुद को उस थिंकिंग से डाइवर्ट कर दीजिए। देखिएगा हम लोग जब बिजी रहते हैं किसी चीज़ में, कोई काम करते हैं, तो हम लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं आता है। तो इसीलिए हमेशा देखिएगा कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, आप देख रहे हैं कि थिंकिंग से हम ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं, तभी खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो चाहे अपना हॉबी कीजिए, ये भी हो सकता है वॉकिंग पे चले जाइए बाहर, ये भी हो सकता है बाहर के लोगों के जाकर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये करने की आप कोशिश कीजिए। सेकेंड नंबर पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊँगी वो है मेडिटेशन। तो हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ पे हम लोगों का कंट्रोल हो, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि सबसे पहले कंट्रोल तो हम लोगों को हमारे माइंड पे होना चाहिए। अगर माइंड पे कंट्रोल हो ना तो सब चीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से अच्छा कोई दवाई नहीं है जो कि आपके माइंड को कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। तो मेडिटेशन हो सकता है कि आप प्राणायाम करें, हो सकता है योगा करें, या फिर हो सकता है नेचर के साथ बहुत सारा टाइम आप बिताए, कोई शांत जगह पे आप चले जाइए, वहाँ पे जाके काफ़ी सारे टाइम जो है खुद के साथ बिताइए, कोई समुंदर के किनारे हो तो चले जाइए, कोई शांत पार्क में चले जाइए, कोई जगह ना मिले तो अपने घर के छत पे चले जाइए, वहाँ जाके एकांत में शांत हो के बैठ के खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए और वहीं पे बैठ के मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए। तो करते 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 जब दिन बीतता जाएगा, आप देखेंगे कि आपका माइंड जो है धीरे धीरे स्वस्थ होता जा रहा है, ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम जो है वो घटता जा रहा है और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हैं और सही डिसीजन आप ले पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊँगी वो है एक्सेप्टेंस। हम लोग काफ़ी समय क्या करते हैं कि हम लोगों से गलती हो जाती है, गलती तो सभी से होता है,
छोटा गलती हो चाहे बड़ा गलती हो, गलती सभी करते हैं, इंसान का मतलब ही है गलती करना। तो काफ़ी समय हम लोग क्या करते हैं कि गलती तो करते हैं लेकिन उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, अगर आपसे गलती हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, चाहे प्रेजेंट का गलती हो चाहे पास्ट का गलती हो, इंसान से गलती होता ही है। तो आप सोचिए ठीक है इंसान से तो गलती होता ही है तो मुझसे भी गलती हो गया है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करके फिर उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, और सुधारने के बाद आप क्या कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको हल करने की कोशिश कीजिए उस प्रॉब्लम को। जो गलती आपसे हुई है वो दोबारा ना हो इसकी तरफ ध्यान रखिए, और उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ मुझसे गलती हुआ है और दोबारा मुझे ये गलती नहीं करना है और मुझे जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो ये एक्सेप्टेंस ही बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, लोग पजल हो जाते हैं, माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि इंसान है, सब इंसान गलती करता है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती ना हुआ हो। तो इसीलिए अपनी गलती को मान लीजिए, मानने के बाद उसको सुधारिए, सुधारने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करके जीवन में आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट में जो आप लोगों को बताऊंगी वो है स्टे बिजी, खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। देखिएगा हम लोग बड़ों से एक बात हमेशा सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि खाली दिमाग शैतान का घर, यानी दिमाग अगर खाली होना तो उसमें बहुत सारे अनसन जो है चिंता हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो इसीलिए क्या कीजिए, खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, चाहे तो अपने हॉबी की साथ बिजी रहिए, अपना हॉबी को करते रहिए, इसके साथ बिजी रहिए, कुछ नहीं मिल रहा तो किताब पढ़िए, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर काम में बिजी रखिए खुद को, किसी ना किसी चीज़ में खुद को बिजी कर दीजिए। जब भी देखिएगा कि आप बैठ के थिंकिंग कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग हो रहा है आपको, तब आप जाइए कोई भी काम करिए और खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। देखिएगा जब हम लोग बिजी रहते हैं ना तो हमारे माइंड में वो सब थिंकिंग नहीं आता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखने के लिए, तो देखिएगा धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम जो है आपके तरफ से हट जाएगा, आप में से वो दूर चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो आप लोगों को बताऊंगी वो है स्टार्ट राइटिंग, कुछ भी लिखिए, एफर्मेशन लिखिए, ग्रैटिट्यूड लिखिए, जो मन हो आपका वो लिखिए, चाहे आप कुछ गलती किए हैं वो लिखिए, चाहे आपके जीवन का गोल क्या है उसको आप लिखिए, या फिर पूरा दिन आप काटे हैं आपका दिन कैसा बीता उसको लिखिए, या फिर आप यूनिवर्स को थैंक्स दीजिए ग्रैटिट्यूड लिख के कि आपको जो फूड मिल रहा है, आपको ये जो जीवन मिला है, आपको जो माता पिता मिले हैं, ये अच्छा जीवन मिला है, आपको जो काम मिला है उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स दीजिए, ये लिखिए। क्यों? क्योंकि लोगों को अगर आप बोलेंगे कोई भी काम चीज़ के बारे में, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोगों को ऐसा लोग मिलता नहीं है अपने मन पसंद का जिसको हम लोग अपने मन की बात को कह सके, ऐसा लोग मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और काफी समय ऐसा भी होता है कि लोगों को हम लोग अपना प्रॉब्लम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि लोगों को बताएं, इससे अच्छा है कि आप उसको लिखिए। क्यों? क्योंकि लोगों को आप बताएंगे, हो सकता है आपके सामने वो दिखाए कि हाँ आपके प्रॉब्लम को वो समझ रहा है, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपके पीछे जाके आपका मजाक उड़ाए। तो आप किसी पे यकीन तो नहीं कर सकते इस तरह से कि अपने मन की बात आप शेयर करें किसी के साथ। तो उससे अच्छा है कि आप लिखिए उसको, आपके मन में जो भी बात आ रहा है उसको आप लिखिए, चाहे आपके मन में दुख आ रहा है उसको लिखिए, खुशी आ रहा है उसको लिखिए, जीवन के गोल को लिखिए, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं उसको लिखिए, आप पूरा दिन कैसे बिताते हैं उसको लिखिए, मन में जो भी बात आपको आ रहा है, लग रहा है कि मुझे किसी से वो बात कहनी है, तो कहने के बजाय आप उसको लिखिए। देखिएगा लिखेंगे तो आपका मन बहुत ज्यादा हल्का होगा और ओवर थिंकिंग या प्रॉब्लम भी धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो आप लोगों को बताऊंगी वो है रीड बुक्स, क्योंकि हम लोगों को बुक जो सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखाता है। आप कोई भी अगर बुक पढ़िएगा तो वो आपको 100% कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएगा। इससे अच्छा कि आप लोगों से बातें करें, लोगों से कुछ सीखें, दूसरे वीडियो देख के मोटिवेट होइए, लोगों से मोटिवेट होइए, इससे अच्छा है कि आप अच्छे अच्छे किताब पढ़िए। अच्छे अच्छे किताब पढ़ने में खुद को बिजी रखिए तो देखिएगा आपको शिक्षा भी मिलेगा और आपका टाइम भी पास हो जाएगा, आप बिजी रह पाएंगे और ओवर थिंकिंग आप में नहीं आएगा। तो आज से ही आदत डाल लीजिए कोई ना कोई बुक पढ़ना, चाहे आप एक दिन में 2 पेज पढ़िए, 5 पेज पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, जितना टाइम आपके पास है उतना पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। डेली का आदत डाल लीजिए कि कोई ना कोई बुक हम ज़रूर पढ़ेंगे, अपने टाइम के अनुसार, जब आपको टाइम मिले, रात को टाइम मिले, दोपहर को टाइम
टाइम मिले, सुबह को टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, जितना भी टाइम मिले, आप ज़रूर डेली 2-3 पेज ज़रूर पढ़ा कीजिए। तो वो शिक्षा जो आपको मिलेगा बुक से, वो शिक्षा आपको कोई नहीं दे सकता है। और लास्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है लर्न न्यू स्किल्स। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है ना, तभी हम लोग ज़्यादा सोचते हैं और सोचते सोचते वही चीज़ ओवर थिंकिंग में कॉन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कि कोई नया नया स्किल सीखने के लिए, चाहे तो आप ड्राइंग सीखिए, कोई भी हॉबी हो आपका, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लीजिए, आप कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं। और अगर नया नया स्किल आप सीखेंगे, एक तो आपके मन को खुशी मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, दूसरा आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं ये चीज़ जानता हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा फील करेंगे आप लोग। और तीसरा चीज़ तो ये होगा कि आपका दिमाग खाली नहीं रहेगा, आप बिजी रहेंगे और आपका गोल आपको मिल जाएगा, वो है क्या कि ओवर थिंकिंग से आप निकल के आ जाएंगे। तो अगर आप ये जो नया स्किल आप सीखेंगे तो आप क्या करेंगे, दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, उससे आप दूसरे लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है, कैसे मिलना है, ये भी सीख जाएंगे। तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ये नहीं होगा अगर आपके सामने कोई नया स्किल आता है, कभी अचानक से आ जाए तो उसको करने में या फिर दूसरे लोगों से, नए नए लोगों से बात करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ये स्किल सीख चुके हैं पहले। तो ये आपको क्या होगा, फ़ायदा दिलाएगा फ्यूचर में कोई भी काम करने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि नया नया स्किल सीखें और खुद को बिजी रखें, ताकि ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम जो है वो हमारे माइंड में ना आए। और फाइनली एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो 7 पॉइंट हम बोले हैं, तो आज करेंगे 7 पॉइंट, तो आज ही आपका ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम जो है वो जाने नहीं वाला है। हम पहले ही बता दिए थे कि इसमें टाइम लगता है, कोई भी आदत को छोड़ने में इंसान को टाइम लगता है, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। अभी करेंगे या फिर 1 महीने में आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ये मत सोचिए। ये जो हम 7 टिप्स बोले, इसको आप करना शुरू कीजिए। करते 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 जितना ही दिन बीतता जाएगा, उतना ही देखिएगा आपका ये प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। अचानक से नहीं घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, और धीरे धीरे घटते 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 देखिएगा ये ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम आपसे बहुत दूर चला जाएगा और आपका माइंड जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। आप ठीक तरह से डिसीशन ले पाएंगे, आप हैप्पी रह पाएंगे, आप दूसरों से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, दूसरों से हैप्पी होकर बात कर पाएंगे, यहाँ तक कि दूसरों को भी आप खुश रख पाएंगे, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड को, उनको भी आप खुश रख पाएंगे। खुद भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा, तो रहेगा तो आपकी चारों तरफ की दुनिया खुशियों से भर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में, ये 7 टिप्स जिन लोगों को प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग का, प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए, और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वो भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका माइंड बहुत स्वस्थ होने वाला है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए इन 7 पॉइंट को आप डेली करने के लिए। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़रूर इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है ज़रूर इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के पॉइंट को आप ज़रूर दोहराइएगा। तो स्टे ट्यून, मीट सून। आज के लिए बस इतना ही, टाटा एंड बाय।